एस्ली मैजिक एंड मशल सीजन 2 एपिसोड 9 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एडम जोब्स के बारे में बताया जाता है, जहां पर हमें बताया जाता है वो एक बहुत बड़ा मैजिशियन था और उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स थी पूरी मैजिक रैम में। और जिसके बाद उसने अपनी मैजिक थ्योरी को इकट्ठा करो एक एजुकेशन सिस्टम बनाया और साथ ही मैजिक ऑफ ब्यूरो भी बनाई, जिसकी मदद से वो मैजिक रैम में होने वाले क्राइम को रोक सके। और जिसके बाद उसने उन लोगों पर ध्यान दिया जिनके पास मैजिक नहीं था, और उसका ये मानना था कि स्ट्रॉन्ग लोगों का काम है जो वीक लोग हैं उनकी मदद करना। तो यही चीज वो अपने तीनों स्टूडेंट को भी बताता था। उसके तीन स्टूडेंट में हेडमास्टर भी एक थे, जहां पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो इनोसेंट जीरो रहता है वो ताबूत में से एडम जोब्स की बॉडी को निकालता है। वहां पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है तो मैंने वो मैजिक हासिल कर ही लिया जिससे किसी की भी बॉडी को वापस लाया जा सकता है पर उसके ब्रेन को नहीं। और यहां पर हमें मैग्रोन दिखाया जाता है जो कि एडम जोब्स की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और जिसके बाद जो वो रहता है वो वहां पर एडम जोब्स की बॉडी को कंट्रोल कर उस हेडमास्टर के ऊपर हमला करता है। पर वहां पर हेडमास्टर बच जाते हैं और इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि मैंने मास्टर एडम जोब्स की बॉडी को उस फॉर्म में रिस्टोर कर लिया में वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। और जिसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एडम और हेडमास्टर साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं कमजोर लोगों की मदद करने के लिए, और उसके ऊपर एक रूल बना रहे होते हैं जहां पर हेडमास्टर कहने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वीक लोग हैं वो अपनी मदद करना ही नहीं चाहते, हमें किसी और के लिए अपनी जान को खतरे में घेरना पड़ेगा। जहां पर एडम कहने लगते हैं तुम ऐसी बात कर रहे हो तो तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आया है पर एक दिन तुम जरूर समझ जाओगे क्योंकि तुम बहुत पावरफुल हो। जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट पर दिखाया जाता है, वहां पर हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि हां मेरे मास्टर जो एडम थे वो काफी अच्छे इंसान थे पर ये एक पास्ट है और मैं पास्ट के लिए प्रेजेंट को खतरे में नहीं डाल सकता और मैं इस फॉर्म में अपने मास्टर से ज्यादा पावरफुल हूँ। और वहां पर हम नेग्रोन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि हेडमास्टर वो पर्सन है जो कि इस रैम में सबसे पावरफुल पोजीशन को होल्ड करते हैं और उनकी पावर वाकई में काफी स्ट्रांग है, पर उसके बाद वो एडम की पावर्स का यूज कर हेडमास्टर पर हमला करता है और साथ ही कहता है मास्टर एडम के डार्क मैजिक के आगे कोई नहीं टिक सकता। और जहां पर नेग्रोन हमला करने के बाद सोच रहा होता है कि जो एडम जोब्स है वो इस डार्क मैजिक के बलबूते पर पूरी मैजिक रैम पर काज करता था और इसके आगे कोई सा भी मैजिक नहीं टिक सकता, और एक बार डार्क मैजिक कास्ट हो जाए तो फिर किसी और मैजिक का यूज कर उसे हम हटा नहीं सकते, और इसलिए हेडमास्टर ने मेरे पिछले मैजिक के वार को रोका नहीं क्योंकि वो जानते थे कि वो इसका सामना नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने टीचर के बारे में सारी बातें जानते हैं। तो जिसके बाद नेग्रोन वहां पर हंसने लगता है और फिर दोबारा हेडमास्टर के ऊपर हमला करता है और उस हमले को वहां पर हेडमास्टर काट देते हैं, जिसके बाद नेग्रोन दोबारा हमला करता है और हेडमास्टर उस हमले को भी रोक लेते हैं और नेग्रोन के आधे पार्ट को काट देते हैं। और जिसके बाद हेडमास्टर कहते हैं कि चिंता मत करो तुम मरने वाले नहीं हो, मेरा मैजिक स्पेस से कनेक्टेड है, इसका मतलब मैंने तुम्हारे पार्ट को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया है। इसे सुनकर नेग्रोन वहां पर सोचता है तो इसका मतलब जो पिछला वाला हमला था हेडमास्टर ने उस हमले को रोका नहीं था बल्कि दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया था, इसका मतलब यह है कि मैं और ज्यादा पावर से हमला करूं तो क्या पता वो उसे ट्रांसपोर्ट ना कर पाए। जिसके बाद वो वहां पर और ज्यादा हमला करने लगता है हेडमास्टर के ऊपर, जिसके बाद हेडमास्टर उस हमले को भी संभाल लेते हैं और नेग्रोन सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो गया क्योंकि इसके मास्टर के आगे इसकी पावर कुछ भी नहीं है, पर मैं तो डार्क मैजिक का भी यूज कर रहा हूं जिससे कोई भी मैजिक टक्कर नहीं ले सकता। और जिसके बाद फिर वो और ज्यादा पावरफुल हमला करने लगता है हेडमास्टर के ऊपर और साथ ही कहने लगता है कि अगर दो पावरफुल स्पेल्स आपस में टकराएंगे तो डार्क मैजिक ही जीतेगा। और यहाँ पर हेडमास्टर कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अब तक जो हुआ वो सिर्फ मेरी छड़ी की पावर थी और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक स्पेल को कास्ट करना किसे कहते हैं। और उनका मैजिक इतना पावरफुल होता है जिसकी हेल्प से वहां पर जो नेग्रोन रहता है और साथ ही मास्टर एडम होते हैं उस मैजिक की ताकत से वो दोनों ही वहां पर डिसअपियर हो जाते हैं। फिर वहां पर हेडमास्टर कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी इनोसेंट जीरो। दूसरी तरफ हम डोटो लेंस दिखाए जाते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से वहां पर लड़ रहे होते हैं और साथ ही जो कार्डो रहता है वो उन्हें मारते हुए सोच रहा होता है कि खत्म क्यों नहीं हो रहे, और मेडल कहने लगता है कि रोना धोना बंद करो इनसे फाइट करो। जहां पर कार्डो कहने लगता है कि मुझे मैश की हेल्प करनी है पर मुझे यहाँ के स्टूडेंट को भी संभालना होगा। जिसके बाद हम मैश को देखते हैं और उससे सेल्वर वहां पर कह रहा होता है कि इसका मतलब यह कि जिस मैजिक को तुम देख लेते हो उसका इम्पैक्ट फिर तुम्हारे ऊपर नहीं होता। जहां पर मैश उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे टारगेट क्यों करा जा रहा है। जहां पर सेल्वर बताता है बॉडी कंस्ट्रक्शन के फॉरबिडन मैजिक के बारे में, मैश को बताने लगता है इसके अंदर हम डार्क मैजिक का यूज करके 6 ब्लड रिलेटेड ह्यूमन बॉडीज के अंदर से एक इमॉर्टल हार्ट को बनाते हैं, जिसकी वजह से फादर ने 6 बच्चे ऐसे तैयार करे जिनकी वजह से वो एक इमॉर्टल हार्ट को पा सके। और मैं आसान शब्दों में कहूँ तो तुम फादर की एक क्रिएशन हो जो कि उनकी इमॉर्टल बॉडी को बनाने में काम आएगी। जिसे सुनकर मैश वहां पर शोक हो जाता है और मैश कहने लगता है तो ये ऐसा है कि किसी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत हो। जहां पर शालूर कहने लगता है कि ये कह क्या रहा है। जिसके बाद जो मैश रहता है वो फिर कहने लगता है कि मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है, इतने कहकर वो फिर वहां पर सोने लगता है। और जिसके बाद सेल्वर उसे उठाता है, जहां पर मैश कहता है तो ये एक ड्रीम नहीं है। जहां पर वो सेल्वर से पूछने लगता है कि क्या वो उसका ब्रदर है। जहां पर सेल्वर कहता है कि नहीं वो सिर्फ एक क्लोन है जिसे इनोसेंट जीरो ने बनाया है ताकि वो उसका आगे चलकर यूज कर सके। साथ ही फादर की बॉडी का पार्ट बनना एक ऑनर है मेरे लिए। और वहां पर वो कहने लगता है कि तुम खुद को देखो, तुम एक कचरा हो जो कि किसी की हेल्प भी करना नहीं चाहता। साथ ही तुम्हारी लाइफ बहुत खराब है और अब मैं तुम्हें अपने हाथों से काट डालूंगा। उसके बाद जो मैस रहता है वो वहां पर सेल्वर को एक मुक्का मारता और कहने लगता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ कैसी है, पर मैं इतना जानता हूं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद जो सेल्वर रहता है वो अपनी छड़ी की मैजिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी पावरफुल फॉर्म में उसे ले आता है और उसकी मैजिक को फिर जो बाकी स्टूडेंट रहते हैं वो भी महसूस करते हैं वहां पर।
और जिसके बाद वो मैस से कहने लगता है कि फादर को तुम्हारा सिर्फ दिल चाहिए और इसलिए मैं तुम्हारे बाकी पार्ट्स को काट दूंगा। जिसके बाद वो कुछ डिस्क को मैस के पीछे लगा देता है और साथ ही कहने लगता है कि जब तक तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक तुम्हारे वो बॉडी पार्ट को काट नहीं देती। जिसके बाद जो मैस रहता है वो अपनी फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है और साथ ही भागते हुए सोचा होता है कि उसे सेलवर के करीब जाना होगा, पर वो साथ ही देखता है उसके पास दो डिस्क और है और अगर उसने उसे भी छोड़ दिया तो उसके लिए मुश्किल होगी। जहां पर सेलवर कहने लगता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम यहां से भाग गए तो तुम्हारे सारे दोस्तों को यहां पे मार दूंगा। और जहां पर हम उस बॉल को देखते हैं जो कि उन सबके ऊपर होती है, उसकी पावर भी बढ़ जाती है, जहां पर वो कहने लगता है कि किसी छड़ी की पावर बढ़ती है तो उसके मैजिक की पावर भी अपने आप बढ़ने लगती है। और साथ ही वो कहता है कि जिसे तुम गलती से अपना घर मान बैठे हो और साथ ही जो ये तुम्हारे दोस्त हैं मैं इन सबको यहाँ पर मार डालूंगा। और साथ ही मैस से कहने लगता है कि हार मान लो मैस, और जिसके बाद वो दो डिस्क से मैस के ऊपर हमला करने लगता है पर मैस वहां से भाग जाता है। जहां पर सेलवर सोचने लगता है कि क्या वो सच में अपने दोस्तों को छोड़कर भाग रहा है, पर इतने में ये मैस को देखते जो कि सेलवर के पीछे आ जाता है और सेलवर से कहने लगता है कि मैं एकेडमी का पूरा चक्कर मारकर आया हूं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। जहां पर सेलवर सोचने लगता है तो इसे लगता है कि अगर अब इसने मुझे पकड़ लिया है तो वो उन डिस्क से मुझे भी खत्म करना चाहता है, पर इसको कोई फायदा नहीं है, मेरे पास डायमंड स्किन है और फिजिकल एबिलिटी से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद वो डिस्क आकर मैस को लग जाती है और मैस वहां पर गिर जाता है, जहां पर सेलवर को लग रहा होता है कि उसने मैस को हरा दिया, पर मैस वहां पर दोबारा खड़ा होता है और सेलवर को बहुत सारी क्रीम पफ खिलाने लगता है जिसकी वजह से सेलवर को वहां पर सांस नहीं आती। और असलियत में वहां पर जो मैस था वो वहां पर सेलवर का गला दबा रहा होता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि थाइपोक्सिया एक ऐसे स्टेज है जहां पर ह्यूमन बॉडी को इल्यूजन आने लगती है और ये जब होता है जब दिमाग तक सही ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। और जब मैस के पास वो डिस्क आ रही थी तो मैस को लगा कि सेलवर की बॉडी तो डायमंड की है तो उसे तोड़ तो नहीं सकता, जिसके बाद वो सेलवर के गले को अपनी मसल से दबाने लगता है और जिसकी वजह से सेलवर के दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचनी कम हो गई और उसकी वजह से उसने एक सेकंड से पहले ही अपने सभी दोस्तों को बचा लिया और उसे हरा दिया। और जहां पर मैस कहने लगता है कि मुझे स्कूल की बहुत चिंता है और अगर तुम इसे तबाह करना चाहोगे तो मैं अपनी मसल्स की हेल्प से तुम्हें मार दूंगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहां पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए एनिमे फिर न्यू वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।